हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके ग्रीन वर्ल्ड। मॉनसून सीजन जो होता है वो प्लांट्स की ग्रोथ का बेस्ट टाइम पीरियड होता है। जुलाई अगस्त सितंबर मंथ में आप कटिंग से अपने एक प्लांट से मल्टीपल प्लांट्स बना सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे 15 पेरिनियल प्लांट्स की जिनको आप अभी कटिंग से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आपको 100% अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं ये प्लांट्स। सबसे पहले है हमारा ये हार्डी जेड प्लांट, जिसे एलिफेंट बुश भी कहते हैं। इसको लगाना और केयर करना बहुत ज़्यादा इजी है। मॉनसून में इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ हो जाती है। ये एक सकुलेंट है, इसको सैंडी सॉइल में ही लगाएं और इसको फुल सनलाइट चाहिए होती है। ये कटिंग्स कुछ मैंने 15 दिन पहले लगाई थी और ये देखिए आप कितनी अच्छी रूटिंग हो गई है इनमें। ये मेरी सारी कटिंग्स अच्छे से चल पड़ी है। और उसके बाद है हमारा सेकंड नंबर पर ये डेविल्स बैकबोन, जिसे पिडिलेंथस भी कहते हैं। मैंने ये अपना प्लांट लास्ट ईयर एक छोटी सी कटिंग से ही लगाया था। ये सनलाइट में, सेमी शेड एरिया, इंडोर, सब जगह बहुत आराम से लग जाता है। ये बहुत सारी वेराइटीज़ में आता है। मैंने जुलाई में इसकी कुछ कटिंग्स लगाई थी और मुझे 100% इसका रिजल्ट मिला है। ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी और मेरे पास न्यू प्लांट बन के रेडी है। थर्ड नंबर पर है हमारे पास डेफिन बेकिया। ये एक बहुत ही सुंदर इंडोर फॉयलेज वाला प्लांट है। ये इंडोर और इनडायरेक्ट सनलाइट में ज़्यादा अच्छा चलता है। मैंने लास्ट मंथ एक डेफिन बेकिया से दो नोट्स की कटिंग लेके उन्हें प्रोपोगेट किया था। दोनों में एक महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। दोनों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हुई है। उसके बाद फोर्थ नंबर पर है हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल फॉयलेज वाला हमारा इंडोर एग्लोनिमा। इसमें फ्लावरिंग भी होती है। ये बहुत वेराइटीज़ में आता है। आप इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं, आप इसे स्टेम्ड विजन से भी लगा सकते हैं। इसकी कटिंग पानी में भी चल जाती है। मैंने भी इसकी एक कटिंग लगाई थी और आप देखिए रिजल्ट्स मुझे बहुत अच्छे मिले हैं। इसमें एक न्यू लीफ भी आ गया और हमारे पास एक न्यू बेबी पप प्लांट रेडी है। फिफ्थ नंबर पर है हमारा विंका, जिसे सदाबहार भी कहते हैं। ये एक बहुत ही हार्डी प्लांट है। मेरे पास देसी विंका की वाइट वेराइटी नहीं थी तो मैंने 20-25 दिन पहले ये कटिंग कहीं से लेके लगाई थी और अभी इस पे बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है। इसकी कटिंग बहुत ही आराम से लग जाती है। एक प्लांट से आप कई प्लांट्स बना सकते हो। नेक्स्ट प्लांट है हमारा ये मोगरा। ये कटिंग भी मैंने 15 दिन पहले लगाई थी और ये बहुत अच्छे से चल पड़ी है। मोगरा कई वैरायटीज़ का आता है, सिंगल पेटल, डबल पेटल, मल्टीपल पेटल, और इसके फ्लावर्स की खुशबू बहुत अच्छी होती है। आप भी इसकी कटिंग कहीं से लेके लगा लीजिए। अभी सबसे बेस्ट टाइम पीरियड है इसकी कटिंग लगाने का और इसकी ग्रोथ भी देखो, न्यू लीव्स भी आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट है हमारा ये स्नेक प्लांट, जो कि एक बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, बेस्ट एयर प्यूरिफायर प्लांट होता है। इसको आप लीव से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। मैंने ये कटिंग्स 20 दिन पहले अपनी लास्ट स्नेक प्लांट की वीडियो के लिए की थी। पानी में बहुत इजी प्रोपोगेट हो जाता है। आप देखिए इसमें 20 दिन में कितनी अच्छी रूटिंग हो गई है। इसको पानी में ही रहने दूंगी जब तक न्यू पप्स नहीं आ जाते और फिर हम इसको न्यू पॉट में लगाएंगे। और एट्थ नंबर पर है हमारा ये पर्पल हार्ट का प्लांट। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और आपके गार्डन को कलर ऐड करने वाला ये प्लांट है। ये हैंगिंग बास्केट में बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। मैंने ये एक कटिंग से इतने सारे प्लांट्स बना लिए हैं। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और इससे ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने ये कटिंग 7 दिन पहले लगाई थी और इसकी रूट्स देखिए कितनी जल्दी ग्रो हो गई हैं इसकी रूट्स। नेक्स्ट प्लांट है ये कोलियस का। बहुत कलरफुल प्लांट है, बहुत सारे कलर्स और वेरिएशंस में आता है। इस प्लांट को बुशी बनाने के लिए रेगुलर प्रूनिंग करते रहना चाहिए। इसका जो सॉइल मिक्सचर है वो वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, नहीं तो ये रूट रॉट से प्लांट डैमेज हो सकता है। इसको आप छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। ये मैंने जुलाई में कटिंग्स लगाई थी कुछ और अभी आप देखिए इनकी कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। पूरा एक न्यू प्लांट बन गया है मेरा। ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, स्पेशली मॉनसून और समर्स में। टेंथ प्लांट है हमारा ड्रेसीना का। ड्रेसीना भी बहुत वैरायटीज़ में आता है, हार्डी प्लांट होता है, इनडायरेक्ट सनलाइट पसंद करता है। हार्श सनलाइट में इसके लीव्स बर्न हो जाते हैं, टिप्स ब्राउन होने लगती हैं। ये चार प्लांट कटिंग्स मुझे 15 से 20 दिन पहले किसी ने दी थी और अब देखिए इसकी रूट्स कितने अच्छे से ये चारों कटिंग्स चल पड़ी हैं और न्यू लीव्स भी आ गए हैं इन पे। नेक्स्ट प्लांट है हमारा चंपा, जिसे प्लमेरिया भी कहते हैं। इसकी कटिंग मैंने एक महीना पहले
पास के ही अपने एक पार्क से लेकर लगाई थी और अब आप इसकी ग्रोथ देखिए, इसमें बहुत सारे न्यू लीव्स भी निकले हैं। इसकी कटिंग लेते हैं, आप ध्यान रखें कि वो सेमी वुड वाली कटिंग ही लें और वो लाइट ग्रे कलर की हो, ग्रीन कलर की ना हो, और कम से कम 5-6 इंच मोटी कटिंग लें ताकि वो आसानी से चल पड़े और आप उसे फुल सनलाइट में रखें। और उसके बाद है हमारा नेक्स्ट प्लांट बोट लिली। ये इतनी आसानी से प्रोपोगेट हो जाता है कि लास्ट ईयर मैंने एक छोटी सी कटिंग लेके कहीं से अपने गार्डन में लगाई थी और तब से ये मेरे गार्डन में पूरा भरा पड़ा है। आप इसकी एक स्टेम को सिंपली तोड़ के सैंडी सॉइल में लगा दें, एक वीक में आपका न्यू प्लांट रेडी होगा और इसकी केयर और मेंटेनेंस बहुत कम होती है, ज़्यादा नहीं करनी पड़ती और ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्लांट है सिंगोनियम का। सिंगोनियम में बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं। ये एक सेमी शेड प्लांट है, इसे आप इंडोर आउटडोर कहीं भी लगा सकते हैं, इसे आप डायरेक्ट पानी में भी लगा सकते हैं। इसकी स्टेम्स से एरियल रूट्स निकलती हैं जिससे आप न्यू प्लांट्स बना सकते हैं। जब इसकी कटिंग लगाएं तो ध्यान रखें कि जो नोड एरिया है वो सॉयल से टच हो, और ये मानसून में तो इसकी जो ग्रोथ है वो बिल्कुल डबल हो जाती है। 14th नंबर पर है मेरा ये सबसे फेवरेट टर्टल वाइन। इसके स्ट्रिंग्स लटकते हुए बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। हैंगिंग बास्केट के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है। एक बार अगर आप इसे अपने गार्डन में ऐड कर लेंगे तो ये कभी भी आपके गार्डन से नहीं जाएगा। इसमें भी एरियल रूट्स निकलती हैं, जहाँ जहाँ ये टूट के गिर जाएंगे नीचे वहीं पर न्यू प्लांट की जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये बिल्कुल ज़ीरो मेंटेनेंस वाला प्लांट है, आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। और आज के लिस्ट का लास्ट प्लांट है क्रोटोन। क्रोटोन भी बहुत वेराइटीज़ में आता है, ये आपके गार्डन में कलर ऐड कर देगा। इसकी लीव्स बहुत ज़्यादा कलरफुल होते हैं और इसके लीव्स अलग अलग शेप्स और साइज़ में आते हैं। इसे सेमी शेड एरिया में ही रखें, ये डायरेक्ट सनलाइट में सर्वाइव नहीं कर पाता। ये एक सिंगल लीव से भी प्रोपोगेट हो जाता है, इसकी प्रोपोगेशन बहुत ज़्यादा ईजी है। इसको अगर आप टाइम टू टाइम मिस्टिंग करते रहें तो ये बहुत अच्छे से चलता है। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।